हेलो दोस्त, टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज में हम लेकर आए हैं किड्स फन एक्टिविटीज। तो ये फटाफट से होने वाले किड्स फन एक्टिविटीज जो आजकल बच्चे घर पर हैं, तो आप बच्चों के साथ मिलकर ये कुछ फन एक्टिविटी कर सकते हैं जो झटपट भी हो जाती हैं और बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो पहला है बो हेयरबैंड। बो हेयरबैंड बनाने के लिए, इसकी एकदम शार्प कटिंग के लिए आप क्या कीजिए, पहले कोई भी न्यूज़पेपर या पेपर पर इस तरह से एक लीफ कट कर लीजिए, और जैसे कि न्यूज़पेपर चार फोल्ड में आता है ना, उसी तरह से पहले फोल्ड कीजिएगा तो बिल्कुल सेम यही लीफ आ जाएगी। अब एक ग्लिटर पेपर लेंगे, ग्लिटर पेपर के पीछे इसको पेस्ट कर देंगे। आप किसी भी ग्लू की हेल्प से चिपका लीजिए तो इसको कट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसको हम इजीली कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारे पास ये इस तरह का एक लीफ रेडी हो जाएगा। अब इसके पेपर को हटा देते हैं और इसको हम एक साइड से यहाँ से और दूसरी साइड से यहाँ से थोड़ा सा ग्लू लगाकर चिपका देंगे। आप इसके लिए कोई भी पुराना हेयरबैंड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मार्केट में प्लेन हेयरबैंड आते हैं 3 से 4 रुपए की रेंज में, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा हॉट ग्लू लगाएंगे और ये इस पर हमने कर दिया है फिक्स। अब इस बो को थोड़ा सा और सजाने की ज़रूरत है, तो कोई भी कॉन्ट्रास्ट या फिर लाइट कलर का ग्लिटर पेपर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है। इसकी एक पतली सी स्टेप हम इस तरह से इस पर पेस्ट कर देंगे और ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत सा बो हेयरबैंड रेडी हो गया है, और ये बन जाएगा मुश्किल से 2 से 3 मिनट में। और इस तरह के फैंसी हेयरबैंड आपको पता ही है मार्केट में कितने महंगे आते हैं। तो चलिए तैयार करते हैं दूसरा बहुत ही फैंसी सा एक और हेयरबैंड जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये है बनी हेयरबैंड, जिसे बनाना बहुत ईजी है। इस तरह से 2 लीफ कट कर लें, एक छोटी और एक बड़ी। तो पहले हमने बड़ी वाली लाइट कलर के ग्लिटरी पेपर से कट कर लिया है इसके 2 पीस, और छोटे को हमने थोड़ा डार्क कलर से कट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों ही लीफ रेडी हैं। एक लेंगे हम हेयरबैंड छोटी वाली लीफ को बड़ी लीफ पर हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये पेस्ट हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से हेयरबैंड पर लगाने के लिए हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे पहले, ये देखिए। और अब इसको हेयरबैंड के नीचे से इस तरह से ग्लू की हेल्प से इजीली पेस्ट कर देंगे। दोनों को अलग अलग साइड पर पेस्ट करेंगे और इसे हम थोड़ा पीछे की साइड पुश कर देंगे। और ये हमारा बनी हेयरबैंड हो चुका है रेडी। तो चलिए बच्चे आज एंजॉय करेंगे एक बनी स्टोरी इस बनी हेयरबैंड के साथ। थर्ड, एक बहुत ही यूनिक सा आइडिया। आपके पास कोई भी पुराना ऊन का टुकड़ा पड़ा है, उसे इस तरह से हाथ पर पहले रैप कर लें, फिर उसमें एक दूसरे ऊन के टुकड़े से गांठ बांध दें बीच में। अच्छे से बांधें, खुली नहीं चाहिए गांठ। और इससे हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही क्रिएटिव सा एक यूनिकॉर्न रबर बैंड। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चों के साथ मिलकर कर सकते हैं। इससे उनकी फिंगर्स तो डेवलप होती ही हैं, साथ ही साथ उन्हें ये सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। हल्का सा इस पर हम कॉम कर लेंगे जिससे इशार हो जाए, साइड की एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देंगे। और ये हमारे पास एक छोटा सा पॉम पॉम टाइप का रेडी हो जाएगा। इसे हम पेस्ट कर देंगे एक किसी भी रबर बैंड के ऊपर। तो इस तरह से एक रबर बैंड के ऊपर इसको पेस्ट कर दें। अब हमें चाहिए होगा एक छोटा सा ट्रायंगल शेप का ग्लिटर पेपर,
इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमने पेस्ट कर लिया है, इसके ऊपर और नीचे के पार्ट को इस तरह से सीधा करके कट कर लें। इस वाले पार्ट को हम पेस्ट कर देंगे पॉम पॉम के ऊपर और रेडी हो गया हमारा यूनिकॉर्न रबर बैंड। और ये कुछ सिंपल से आइडियाज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और हाँ, बच्चों के साथ ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो हमारा फोर्थ है, फोर्थ के लिए हमने इस तरह से प्लेन सा लीफ लिया, छोटे छोटे कट लगा लिए चिपकाने के लिए इजीली। और इस तरह से यदि हम न्यूज़पेपर पहले कट कर लेते हैं ना तो इसकी कटिंग एकदम शार्प और एक सार आती है। हम इसमें ना पीछे की साइड भी हेयर बैंड पर एक बार ग्लू लगा देंगे जिससे अच्छे से पेस्ट रहे। एक कॉन्ट्रास्ट पेपर यहाँ पर भी लेंगे और बीच में फिनिशिंग के लिए इसको पेस्ट भी करेंगे। इससे फिनिश तो लगता ही है बहुत ज़्यादा और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया हमारा किटी हेयर बैंड। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा किटी हेयर बैंड, ये अच्छे लग रहे हो आपको तो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर और नियाज किचन ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ थैंक यू।